देखिए मेन चीज क्या है ना, आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताने का कि बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं, मतलब पैसे भी देते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से जाते हैं और 20-20, 30-30 लाख रुपए देते हैं, उसके बाद भी वो उस कंट्री तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ आदमी डोंकी के थ्रू जाते हैं, कुछ एजेंट के थ्रू जाते हैं और काम नहीं हो पाता है। वहाँ की गवर्नमेंट को भी बताया कि ये सब चल रहा है, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में ये सब चीज़ें चल रही है। तो उसी चीज़ को सोचते हुए कि आप उस चक्कर में ना फंसे, आपके 5-10 लाख 20 लाख रुपए ना जाए, एक सीधा प्रोग्राम इन्होंने निकाला है जिसमें आईलेट्स और जिसमें आपको लीविया की कोई भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसमें आप जा सकते हो। क्या प्रोग्राम रहेगा देख लेते हैं स्टेप बाई स्टेप। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष तोमर। देखिए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा ये प्रोग्राम कनाडा ने स्टार्ट कर दिया है और इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें लीमिया वगैरह की आयल्स की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 वीक में, 7 to 8 वीक में ये ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, अगर आपकी कंट्री उसको फॉलो कर रही है तो आप एलिजिबल हो। अपनी प्रोफाइल खुद से भी डाल सकते हो, किसी कंसल्टेंट से भी डलवा सकते हो, हमसे भी डलवा सकते हो, बहुत ही मिनिमम चार्ज में हम आपका अप्लाई कर देंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्री की। कुछ कंट्री ऐसी है वर्ल्ड में कि जो कनाडा में आपको सिर्फ घूमने के लिए अलाउ करती है, वो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं बोलेगी कि आप जाके वहाँ पे काम करो, तो आपकी कंट्री अलाउ नहीं करेगी। हमारे साथ में, इंडिया के साथ में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ वहाँ पे घूमने भी जा सकते हो और वर्क भी कर सकते हो। तो एक तो ये जो पॉइंट था ये ख़त्म हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, अगर हमने प्रोसेस में डाल दिया तो कितना टाइम लगेगा, 7 महीने 8 महीने 5 महीने? तो इसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, इसमें जो टाइम लगेगा सिर्फ 2 महीने का लगेगा। जैसे आप प्रोफाइल इसमें डाल देते हो अपनी, अपलोड कर देते हो डॉक्यूमेंट्स, अगर सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको वहाँ से मिल जाता है, तो 2 वीक में आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया, आपके पासपोर्ट पर टिकट वगैरह आपको मिल जाएगा और आप रेडी रहोगे कनाडा पहुँचने के लिए। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें। CV, इसमें इन लोगों ने खुद भी बोला है कि CV आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, कैनेडियन फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें बिल्कुल साफ साफ इन लोगों ने लिखा है। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप चाहे खुद से बनाओ चाहे किसी भी एजेंसी से बनवाओ, बहुत ही हाई लेवल का आपके पास में CV होना चाहिए। हम CV बना के देते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, फॉर्मेट का, वोकेबलरी का, ग्रामर का, और बहुत ही मिनिमम चार्ज पे अदर किसी भी एजेंसी से, कंसल्टेंट से आप कंपेयर कर सकते हो उसको। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं इसमें पासपोर्ट की। पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 to 9 मंथ के आपके पास में होनी चाहिए, बेटर है 9 मंथ या 1 साल के आसपास आपकी वैलिडिटी है तो आप उसको प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसमें फाइनेंशियल प्रूफ। इसमें आप अपनी FD वगैरह या कोई भी पॉलिसी वगैरह कुछ भी दिखा सकते हो, आपके पास में फंड है इसमें आपके बैंक में तो वो भी दिखा सकते हो। अब आता है इसमें ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, तो आपको वो ट्रेवल इंश्योरेंस भी इसमें इनको शो करना होगा। और वो बहुत सारी कंपनीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा वीडियो में, बहुत अच्छी और नॉन कंपनीज़ है, वो 3,000 से लगा के 5,000-6,000 तक का आपका इंश्योरेंस करके दे देगी आपको। इंश्योरेंस से मतलब है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हो या ट्रेवल कर रहे हो, कुछ टाइम आप बीमार हो जाते हो, तो कम से कम आप उस इंश्योरेंस से आप कहीं दिखा सकते हो डॉक्टर को, तो इसलिए चाहिए होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अब आगे आता है इसमें PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होता है, आपके लोकल SP ऑफिस से भी मिल सकता है, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं PCC के लिए अपने पासपोर्ट ऑफिस में। वहाँ से आप अपना जो भी है वो स्लॉट बुक कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट का वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए, आपकी PCC वो पूरी क्वेरी करने के बाद में आपके घर पे बाई पोस्ट आपको भेज देते हैं। नहीं तो जो आपका लोकल SP ऑफिस है आप वहाँ पे भी एक एप्लीकेशन दे सकते हो, अगर वो वहाँ से इशू करते हैं तो वो भी चल जाएगी। एक फ़ोटो, आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। मेजरमेंट उसकी फ़ोटो की आपको लिंक में ही मिल जाएगी सब कुछ। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप जो नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाइए, उस लिंक में A to Z पूरा प्रोसेस इन लोगों ने बताया है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्या इसकी फ़ीस रहेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए और आप एलिजिबल है
अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आईईसी प्रोग्राम के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें फीस की, क्या फीस इसमें रहेगी। जो एप्लीकेंट की फीस रहेगी इसमें वो रहेगी 156 कैनेडियन डॉलर, 156 डॉलर जो कनाडा के है वो इसमें आपको फीस देनी पड़ेगी। ऑनलाइन ही फीस आपकी सबमिट होगी, आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस सबमिट हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, तो आप साथ के साथ में बायोमेट्रिक के लिए भी एप्लीकेशन इसमें अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी बायोमेट्रिक अपनी करा सकते हो। जैसे ही बायोमेट्रिक हो जाएगी और वहाँ से आपका इन्विटेशन आ जाएगा, ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी वो बोलेंगे, एक चेकलिस्ट आपके पास में आएगी, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी कराएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं वो उनको प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये सब कुछ होने के बाद में नेक्स्ट 7 to 8 weeks में आपका पूरा काम करके वीजा स्टैंपिंग से लगा के आपकी टिकट बुकिंग तक वो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। आप एलिजिबल हो जाओगे, आप रेडी रहोगे, आप जा सकते हो कनाडा में और वर्क वहाँ पे कर सकते हो। अब इसमें दो मेजर चीज है, वो दो मेजर चीज क्या है कि एक तो जो वर्क परमिट है ये रहेगा 2 साल के लिए, ठीक है, ये इसमें आगे एक्सटेंड हो जाएगा कल। लेकिन इसमें दूसरी जो मेजर चीज है कि जो आपके डिपेंडेंट्स है, सपोज करो आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है और आपके बच्चे है, आप इस वीजा पे उनको नहीं लेके जा सकते। वो सिर्फ एलिजिबल होंगे विजिट वीजा के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए और स्टडी वीजा के लिए। इन 3 वीजा के लिए वो एलिजिबल होंगे, उन्हीं पे आप उनको वहां पे अपने साथ में बुला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और यूजफुल रहेगी। तो आप जाइए जिसको जिसको भी करना है खुद से, नहीं तो आप ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके बिहाफ पे हम अप्लाई करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। तो चलो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद।